गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम यूनिट सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ ₹1 लाख एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। तो पी और क्यू जो है वो साझेदार हैं, जो लाभों को 3:2 में बांटते हैं और उनकी पूंजी जो है ₹1 लाख और ₹60,000 की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 10% पर एनम। पूंजी पर जो है 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना है। क्यू इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। क्यू को जो है वार्षिक वेतन 6,000 का दिया जाना है। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 12,000 ईच। तो उन्होंने वर्ष के दौरान 12,000 का आहरण भी किया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹36,000। जो प्रॉफिट है वो 36,000 के हैं प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पूंजी पर ब्याज लगने से पहले। एंड बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फर्नीचर वैल्यूड ₹20,000। और जो फर्नीचर है जिसकी वैल्यू ₹20,000 की है और उसमें जो डेप्रिसिएशन 10% है वो भी इसमें चार्ज नहीं हुआ है, प्रॉफिट में ही इंक्लूड है। एंड बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ₹1,000। और जो बैड डेब्ट्स है ₹1,000 वो भी उसी प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूड है। मैनेजर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और जो मैनेजर है उसको भी 10% कमीशन दिया जाना है और वो दिया जाना है आफ्टर चार्जिंग, लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो आपको बोला है कि आप उनके पूंजी खाते बनाओ और जब उनके पूंजी खाते क्या हो, परिवर्तनशील हो। तो हमारे को बोला हुआ है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन सबसे पहले हमारे को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ चार्ज विधियां हैं, जो प्रभार होते हैं वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो जो हमारे को प्रॉफिट दिए हुए हैं तो हम वो लिख देते हैं बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 36,000 के दिए हैं, तो 36,000 हमने इनको लिख लिया। इसके बाद जो चार्ज है, सबसे पहला चार्ज है डेप्रिसिएशन का, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये है फर्नीचर की वैल्यू जो है वो है ₹20,000 और हमने जो है रेट दिया है 10%, तो 20,000 का 10% हो गया ₹2,000। तो ₹2,000 आ गया डेप्रिसिएशन का। और इसके बाद हमारे को दिए हैं बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स भी दिए हैं पहले से कैलकुलेट करके ₹1,000। तो ₹1,000 हमने बैड डेब्ट्स के यहां पर ये कर लिए। अब हमने निकालनी है मैनेजर की कमीशन, तो टू मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर की कमीशन को निकालने से पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं कि कितने प्रॉफिट बचे हुए हैं। तो 36,000 थे और उसमें से जो है 3,000 के हो गए एक्सपेंसेस। अब कितने बच गए, ₹33,000। तो 33,000 प्रॉफिट्स के ऊपर मैनेजर को कमीशन मिलेगा। तो फार्मूला जब आफ्टर चार्जिंग है, मैंने आपको बताया था रेट अपॉन 100+ रेट, ये फार्मूला होता है। तो हम यहां लिख देते हैं ₹33,000, रेट दी है 10% और 100+10 हो जाएगा 110। तो 0 से 0 11 3 33 और मैनेजर की कमीशन बन गई ₹3,000। ठीक है, अब हम जो है निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट, तो हम टोटल करते हैं इसका, क्रेडिट साइड का टोटल जो है हमारा हो गया ₹36,000 और जो आपके डेबिट है इसका भी बन गया ₹36,000। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें लेस करते हैं ये 6,000, तो जो प्रॉफिट है वो आ गए ₹30,000। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो नेट प्रॉफिट हमारे को कितने दिए हुए हैं ₹30,000 के, तो ₹30,000 के हमने नेट प्रॉफिट कर लिए। अब हमारे को क्वेश्चन में दिया है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो डेबिट साइड में तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक पी है दूसरा क्यू है, तो 1,10% हो गया 10,000 और 60,000 का हो गया 6,000। तो उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया वो मिल गया ₹16,000। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि उनको क्यू को सैलरी देनी है, तो हम लिख देंगे टू सैलरी टू क्यू। तो क्यू को सैलरी है और वो सैलरी है ₹6,000 की,
6000 रुपीज हमने यहाँ पर क्या लिख लिया। और इसके बाद हमारे को ड्रॉइंग के बारे में दिया है, तो ड्रॉइंग तो आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो वो फिर यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब हम निकालते हैं जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितने हुए, 30,000 टोटल कर दिया हमने, और इस तरफ का भी हम टोटल कर देते हैं 30,000 रुपीज, और यहाँ आ जाएंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर पहले निकालते हैं, तो 22 और 30 तो 8,000 रुपीज के हो गए डिविजिबल प्रॉफिट, और उसमें से पी को और क्यू को कितना कितना मिलेगा, तो वो दिए है 3:2, तो हम निकाल लेते हैं पहले पी का, और 8,000 जब 3:2 है तो 3/5, और क्यू को मिल जाएगा 8,000 का 2/5, तो 4,800 बन गया पी का, एंड 3,200 किसका बन गया, क्यू का। तो 4,800 एंड 3,200 ये बन गया, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन करके क्या हो गया, तैयार। अब हमारे से पूछा हुआ है कैपिटल अकाउंट, जब उनके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो सबसे पहले हम जो है इसकी शुरुआत कर देते हैं बैलेंस से, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो कैपिटल है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पी का दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपीज, और क्यू का दिया हुआ है 60,000 रुपीज। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे, तो यहां पर जो मिल रहा है इनको उनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सबसे पहले उनको क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो फर्स्ट है उसको मिल रहा है 10,000, और जो क्यू है उसको मिल रहा है 6,000 रुपीज। अब हमारे को यहाँ सैलरी भी दी है, तो सैलरी पी को नहीं मिल रही, डैश लगा दिया, क्यू को मिल रही है 6,000 एनुअली। इसके बाद उनको प्रॉफिट में ऐसा मिला है, तो बाय जो डिविजिबल जो प्रॉफिट है जो हमने कैलकुलेट किया अभी, तो कितना है 4,800 ये मिल रहा है पी को, और क्यू को मिल रहा है 3,200। और इसके बाद अब क्वेश्चन में हमारे को दिया है ड्रॉइंग, तो यहां आ जाएगा टू ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग के बारे में दिया है कि 12,000 के ड्रॉइंग की है, तो 12,000 पी का, और 12,000 किसका जाएगा, क्यू का जाएगा। अब हम बैलेंसिंग निकालते हैं, तो 008411 00257, आप सबसे पहले हम इनका टोटल लिख लेते हैं, फिर निकालते हैं बैलेंसिंग, 1,14,800 और 75,200। अब इसमें से जो है लेस होगा 12,000, यही लेस कर देता हूँ मैं, और 12,000, तो 008201 00236, तो ये हो गया टू बैलेंस कैरी डाउन। ए का जो बचा हुआ है कैपिटल वो है 1,02,800 रुपया, और इसकी बची है 63,200 रुपया, 1,02,800 एंड 63,200। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फार्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, अपॉन 12। तो ये फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2014, तो एक पी है एक क्यू है और एक आर है, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया 1 जुलाई 2014 को उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। यू फाइंड दैट
तो पी क्यू आर ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको बताया गया है फर्स्ट पी जो है ड्रू 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2015। जो पी है उसने क्या किया है 31 मार्च 2015 तक, इसका मतलब ये जो अकाउंट है ये क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2015 को। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो इनका पहला सेशन है वो चला 9 मंथ का चला इनका सेशन। तो क्या किया उसने कि 9 महीने तक उसने प्रति माह 4,000 रुपये का आहरण किया। और बिगिनिंग में तो बिगिनिंग बिगिनिंग का मतलब ये कर रहा है 1 जुलाई को ही इसने ड्रॉ कर लिया और कितना किया 4,000 रुपीज, और कितने मंथ तक किया 9 मंथ। तो इसका जो ड्रॉइंग हो गया वो हो गया 36,000, और क्या दिया है बिगिनिंग का दिया हुआ है इसका बिगिनिंग का। अब इसके बाद अगला आ जाता है क्यू, तो क्यू ड्रू ₹4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2015। जो क्यू जो है क्यू ने क्या किया है मिडल में किया है, ठीक है। तो मिडल मतलब जो 1 जुलाई का मिडल आ जाता है 15 जुलाई, तो ये 15 जुलाई को फिर 15 अगस्त को निकाल रहा है, ऐसे ऐसे 9 महीने तक इसने भी निकाला। और इसकी भी जो ड्रॉइंग है वो होगी 36,000, और ये निकाल रहा है मिडल में दिया है। इसके बाद आर ड्रू ₹4,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, जो आर है वो निकाल रहा है एंड, तो एंड कब हो रहा है इसका 31 जुलाई को, फिर निकाला इसने 31 अगस्त को। तो इसने भी ऐसे ऐसे कर करके कितने महीने तक निकाला 9 मंथ तक, तो 36,000 और इसका क्या हो गया एंड। तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, सबसे पहला हमारे पास ये पी है, इसके बाद यहां हम निकाल देते हैं क्यू और यहां हम निकाल देते हैं आर का। तो टोटल ड्रॉइंग दे दिया क्योंकि 9 मंथ तक निकाला 4,000 निकाल रहे हैं, तो टोटल ड्रॉइंग हो गया 36,000 रुपीज। पी का भी क्यू का भी हो गया 36,000 रुपीज और आर का भी हो गया 36,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय। अब रेट हम देखते हैं, तो यहां दिया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो जो रेट है वो दिया है 10%, तो यहां पर आ जाएगा 10/100, यहां भी आ जाएगा 10/100 और यहां भी आ जाएगा 10/100। अब हमने निकालना है एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड में आपको जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया था तब मैंने आपको बता दिया था दो तरीके से, एक जैसे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इनको प्लस करेंगे और डिवाइड टू करेंगे तब भी आ जाएगा, और एक आपको मैंने सिंपल तरीका बताया था, तो उस तरीके से मैं मतलब आपको बताता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया 9 मंथ का, तो आपने क्या करना 9 जितने मंथ का है उनका एवरेज निकाल दो। तो एवरेज निकाल दिया हमने 2 से डिवाइड करके, कितना आ गया 4.5 आ गया, ठीक है। तो 4.5 ही जो एवरेज आया ये आ जाएगा एवरेज पीरियड हमारे पास मिडिल का, तो यहां पर आ जाएगा 4.5, तो यहां मैं लिख देता हूं 4.5/12, ठीक है। अब हमने लिया है मंथ में, तो हम ऐसा करेंगे 1 मंथ का एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, तो जब हम 0.5 इसमें प्लस करेंगे तो बिगिनिंग में आ जाएंगे, तो 4.5 में हमने 0.5 प्लस किया तो यहां पर आ जाएगा 5/12, और जब हम 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एंड का। तो इस हिसाब से मतलब आप क्या कर सकते हैं एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं। अगर आपको 6 मंथ का क्वेश्चन होता, ठीक है, यहां पर 9 की बजाय कितना 6, तो 6 4 जा 24, तो यहां पर 24,000 आना था और यहां पर रेट बराबर रहना था, लेकिन जो पीरियड है वो कैसे निकालना था आपने, 6 को आपने कितने से डिवाइड करना था 2 से, तो कितना आ गया 3, तो मिडिल में आ जाना था 3, और जब आपने 0.5 प्लस करना था तो यहाँ 3.5 और यहाँ पर आ जाना था 2.5। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलो हम इसको करते हैं कैलकुलेट, हम तो 0 से 0 कट, 0 से 0 12 3 36 और 5 3 1500, तो इसका बन गया 1500। 0 से 0, 0 से 0 12 3 36 और जब हम इसको करेंगे 5 3 15 4 3 12 1 13, इसका बन जाएगा 1350 रुपया। पी का बन गया 1500, क्यू का बन गया 1350 और इसका निकालते हैं 4 4 3 12 3 12 3 36 0 0 से 0, तो इसका बन गया 1200 1200 रुपया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया सेकंड कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड है।
तो ये फार्मूला मैंने इसको यही लिख रखा है, इसको नहीं दिखा रहा हूं मैं। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर गुप्ता एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको बोला है कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मिस्टर गुप्ता के अहरण पर निम्न दशाओं में ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दशाएं हैं आपके पास, केस थर्ड है, तीन केस दिए हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं। ये पहले हो गया केस फर्स्ट, फिर हो गया केस सेकंड, और फार्मूला आपका सेम रहेगा, और यहां हो गया केस थर्ड। तो तीन केस हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, इफ ही विड्रॉ ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब ये क्वेश्चन आ गया आपको क्वार्टर का। तो यदि उसने प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 4,000 का आहरण किया, तो अब मतलब जैसे जो क्वार्टर है वो होते हैं वर्ष में फोर, तो वो हर क्वार्टर में बिगिनिंग में, तो यहाँ दिया है बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में कितना करना है वो ड्रॉ 4,000, और अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं चार, तो उसका जो टोटल ड्रॉइंग है वो कितना हो गया 16,000, और ये है बिगिनिंग का, पूरे साल उन्होंने किया है 12 महीने। अब उसके बाद जो है केस सेकंड बताया हुआ है, इफ ही विड्रॉ ₹4,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब जो सेकंड है उन्होंने बोला कि एंड में निकाल रहा है, तो एंड में, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 4,000 और उसने 4 मंथ तक की निकाला, और कितना हो गया 16,000 टोटल ड्रॉइंग, ये हो गया बिगिनिंग का, और सेकंड केस आपको दिया है एंड का। और थर्ड बोला हुआ है इफ ही विदड्रॉ ₹4,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब वो मिडल में निकाल रहा है, तो जो आपका थर्ड केस है उसमें भी उसने कितना ड्रॉ किया, वो किया उसने 16,000, और कब निकाल रहा है वो मिडिल में निकाल रहा है। तो जब हम जैसे जो है क्वार्टर देखते हैं, तो जो हमारा क्वार्टर होता है वो होता है 3-3 महीनों का, ठीक है, तो जब हम इसका एवरेज करेंगे तो कितना आता है 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो पहले केस में उसने 1 जनवरी को निकाला, ठीक है, और जो उसके बाद जो लास्ट है उसने 9 मंथ में क्या किया निकाला, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं केस जो फर्स्ट है उसमें हम लिख देते हैं जो टोटल ड्रॉइंग है वो कितनी हुई है 16,000 रुपीज, और इसमें भी कितनी हुई है 16,000 रुपीज, इसमें भी कितनी हुई है 16,000 रुपीज, और मल्टीप्लाई बाय, अब रेट रेट आपको शुरू में दिया है 10%, तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100, और 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100, और 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100, और यहां पर आप डिवाइड करेंगे 12 से, और सिर्फ बात है एवरेज मंथ को निकालने की ही, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एवरेज मंथ को हमने कैसे निकालना है, क्योंकि यहां पर जो ड्रॉइंग है वो हुई है पूरी साल 12 के 12 महीने हुई है, तो हमने क्या करना है जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो 12 को हमने किस से डिवाइड करना है, 12 को करना है डिवाइड 2 से, तो कितना आ गया 6, क्योंकि पूरी साल उन्होंने ड्रॉ किया है, तो 6 जो है वो आ जाएगा मिडल में, इसमें आ जाएगा 6 मिडल में। अब ये क्वेश्चन है क्वार्टर का, तो क्वार्टर का जब हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो जब हम 1.5 6 में प्लस कर देंगे तो हम बिगिनिंग में आ जाएंगे, तो यहां हो गया 7.5, और जब हम जैसे क्या करेंगे 6 में से 1.5 को लेस कर देंगे तो हम एंड में आ जाएंगे, तो ये हो गया 4.5, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपका ये हमारा जो केस है ये हो गया बिगिनिंग का, और क्वेश्चन के मुताबिक जो मतलब सेकंड है वो है एंड का, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंड का, तो यहां आएगा 4.5, ये एंड का, ये हो गया बिगिनिंग का, ये हो गया एंड का, तो एंड में कितना आएगा 4.5, और लास्ट में दिया है आपको मिडिल का, तो लास्ट में आ जाएगा 6/12। तो आपको बता दिया मैंने एक साल का था तो 12 को 2 से किया 6, और 6 में जब हम 1.5 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे बिगिनिंग में, जब लेस करेंगे तो आ जाएंगे एंड में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कट 0 से 0, अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व 3 से, तो 3 4 जा और 2.5 और 4 4 जा और 0 0, 2.5 को 400 से करेंगे, तो इसका जो बन गया वो बन गया 1,000 रुपीज, केस फर्स्ट में बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 रुपीज। अब 0 से 0 कट 0 से 0, इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो गया 1.5 एंड 4 4 4 जा 16, जब हम 400 को करेंगे इससे तो ये बन गया 600 रुपीज, और जब मतलब वो मिडिल में निकाल रहा है तो 0 से 0 0 से 0, 6 1 जा 6 6 2 जा एंड 2 8 जा, तो कितना आ गया 800 रुपीज, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीन, तीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर लिया है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड दिया है क्वेश्चन नंबर फोर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फोर। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1 विद कैपिटल्स ऑफ ₹1 लाख एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। तो एक है ए और एक है बी। ए ने कितना लगाया हुआ है? 1 लाख रुपया। और बी ने कितना लगाया हुआ है? 60,000 रुपीज। और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है वो दी है 2:1 ए और बी की। ठीक है, अब आपको क्या बोला है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ₹15,000। तो आपको क्या बोला हुआ है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। तो केस फर्स्ट है कि ₹15,000 के आपको प्रॉफिट हुए और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या है? साइलेंट है। तो उस दशा में हम क्या करेंगे? हम मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे जब साइलेंट है। तो लेकिन मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना पड़ेगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये हो गया केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट हो गया। तो हम यहां करेंगे बाय प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन हमने कर लिए। कितने कर लिए? प्रॉफिट दिए 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। तो हम यहां पर सीधा ही क्या करेंगे? इन प्रॉफिट को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। तो ए को कितने बन जाएंगे? तो ये रेशो दिया है 2:1। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो 3 5 एंड 5 2 10। तो इसके बन गए 10,000 रुपीज। और इसके कितने बन गए? 5,000 रुपीज। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 15,000 और 15,000। तो इसमें लिख देंगे नोट, इसमें जो है जब पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं केस सेकंड क्या है। तो केस सेकंड है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉस ऑफ द ईयर 12,000। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए हैं लॉस। क्या दिए हैं? लॉस। तो लॉस है और जो पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है कि 6% क्या करना है? इनको इंटरेस्ट देना है। तो जब लॉस हो तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे को बोला है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे लॉस। तो लॉस है तो ये इस तरफ आएंगे। तो टू हम कर देंगे नेट लॉस। तो नेट लॉस हमारे को कितने दिए हुए हैं? यहां दिए 12,000। तो 12,000 हमने यहां पर लिख लिया। अब हम इन्हीं को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 12,000 तो 3 4 4 2 8। तो यहां आ जाएगा बाय, ये हो गया आपका एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। तो ए के कैपिटल में आ गई 8,000 रुपीज और इसको आ गया 4,000 रुपीज और ये हो गया 12,000 रुपीज। तो इस दशा में भी आपने नोट लिख देंगे कि लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पेड नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं हम केस थर्ड क्या बोलता है। तो केस थर्ड बोल रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट जो है वो आपके 15,000 है। तो अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इनका निकालते हैं कि कितना इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। तो 6% है तो इसका बन रहा है 6,000 रुपीज और इसका भी जब हम 6% निकालेंगे तो ये बन रहा है 3,600। तो टोटल जो बन रहा है इनका वो बन रहा है 9,600 रुपीस। लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट है वो 15,000 है तो यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने उतार लिए, 15,000 दिए हैं तो 15,000 हमने कर लिए और यहां लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां आ जाएगा ए का, यहां बी का, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ए को कितना मिला हुआ है? 6,000 रुपीज और बी को कितना मिला है? 3,600 रुपीज और ये हो गया आपका 9,600 रुपीज। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो टू डिविजिबल प्रॉफिट, अब डिविजिबल जो बचे 15,000 में हम कितना कर देंगे लेस? 9,600। तो 004 और 5,400 हमारे पास होंगे ये प्रॉफिट और इनको हम बांट देंगे किस रेशो में? 2:1 में। तो 2/3 तो 18 8 into 36। तो ए को मिल जाएंगे 3,600 और बी को मिल जाएंगे 1,800।
तो ये हमारा जो है, ये जो है केस कौन सा हो गया, ये हमारा केस थर्ड भी हो गया। अब आपको केस फोर दिया है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट जो है वो आपके कितने हैं, 6000 है। अब जो आपके, चलिए यहां मैं बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको जो प्रॉफिट है वो दिए हुए हैं 6000 रुपीज, तो हम करेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितने हो गए, 6000 रुपीज है, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बन रहा है 9600 रुपया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम उनको पेड नहीं कर सकते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में हम इनकी कैपिटल की रेशियो निकालेंगे और इस प्रॉफिट को हम उसमें बांटेंगे। तो देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, ए और बी, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है ए ने और बी ने लगाई हुई है 60000 की, तो 0 से 0 कट हो गया और यहाँ 2 से 3 एंड 2 5, तो 5 रेशो कितनी बन गई, 3। तो 5 रेशो 3 में मतलब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो हम यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हो गया ए और यहां पर हो गया बी। तो कितना मिलेगा, तो इनको मिलेगा जो ये 6000 रुपीज है ये मिल जाएगा इनको, ये निकालिए हमने 5:3, तो पहले का ऐसा हो जाएगा 5/8 और दूसरे का हो जाएगा 6000 × 3/8, तो 8 4 3 2 15 2 750, तो 750 को हम 5 से गुणा करेंगे, 0 5 5 25 7 5 35 2 37, तो 3750 हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा ए का। अब दूसरे का निकालते हैं हम, तो 750 को हमने कितने से गुणा करनी है, 3 से, तो 0 5 3 15 7 1 1 22, 2250 किसका हो जाएगा, 2250 हो जाएगा बी का, और ये 6000 रुपीज क्या है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास केस कौन सा, केस फोर हो गया। ठीक है, और जब मतलब जैसे जो है, अब लास्ट केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इवन इफ इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। अब आपको बोला है कि जैसे जो है एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹6000, तो 6000 के प्रॉफिट हैं और पूंजी पर जो है 6% के हिसाब से ब्याज दिए ही दिया जाना है। ठीक है, तो जब ऐसा लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे, उनको ब्याज देंगे ही देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे या लिख देंगे बाय जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितने हैं, नेट प्रॉफिट हमारे पास है 6000 रुपीज। अब उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऐसा बोला डीड में कि देना ही देना है, चाहे कोई भी जैसे जो है कुछ भी क्यों ना हो, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए, ये बी, ये हमने पहले से कैलकुलेट कर दिया है इनका कितना बना हुआ है, ये बना हुआ है 6000 ए का और बी का बना है 3600। अब जो है हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 9600 रुपीज और आपको दिए हुए प्रॉफिट 6000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को 9600 इसमें से लेस हो गया 6000, तो 006 और 3600 क्या हो गया लॉस, तो हम यहाँ करेंगे बाय डिविजिबल लॉस और ए और बी को क्या कर दिया जाएगा, वो बांट दिया जाएगा 9600 और यहाँ पर भी हम कर देंगे 9600 और कितने प्रॉफिट हो गए 3600। तो 3600 को बांट देंगे 2:3 में, तो 2 3 12 2 24 और 12 एकम 12, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।